गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा चैप्टर है द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में फेमा भी कहेंगे। तो क्या है ये फेमा और किस तरीके से ये बनकर सामने आया और इसके क्या यूजेस हैं, क्या ज़रूरत थी इस एक्ट को बनाने की, इससे पहले हमें थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पे जाना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसी बनाती है, और हालांकि आरबीआई का कंट्रोल रहता है, आरबीआई एक एक्ट के थ्रू फॉरेन ट्रेड को डील करता है और कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज करता है। जैसा हम कह सक देख सकते हैं कि सबसे पहले जो एक्ट बनाया गया था, दैट वाज फेरा, मींस फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। तो 47 में एक एक्ट बनाया गया था, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड था, उसके रेगुलेशन से रिलेटेड था। तो इस एक्ट को बनाने के बाद ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज के रेगुलेशन में काफ़ी चेंजेस आए, और इस तरीके से इसने बाद में 1974 में भी फेरा बनाया गया, यानी कि इसने 47 वाले एक्ट को रिप्लेस किया। हालांकि टाइम के हिसाब से जो चेंजेस आते हैं, तो ऑब्वियसली जो भी एक्ट्स बनाए जाते हैं उसमें इन फ्यूचर कुछ लूप होल्स जो है वो नज़र आने लगते हैं, तो उनके उनको एलिमिनेट करने के लिए सरकार समय समय पर इन चीज़ों को रिव्यू करती है। तो इसी संदर्भ में क्या किया गया कि गवर्नमेंट के द्वारा एक टास्क फोर्स बनाई गई, राइट, जिसका काम था फेरा को रिव्यू करना, और फेरा में अगर कोई लूप होल्स है या उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है तो उसके बारे में वो अपना ओपिनियन दे सकती थी। टास्क फोर्स ने इस पर काम किया और एक बिल, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बिल के नाम से एक 1994 में एक बिल क्रिएट किया गया, और उसको लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट की एक्सेप्टेंस के बाद, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दिया गया एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। यानी कि एक तरीके से टास्क फोर्स के ओपिनियन, टास्क फोर्स के रिव्यू के बाद इस तरीके का एक बिग चेंज आया और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 उभर कर सामने आया, जिसने फेरा 1974 को रिप्लेस किया। तो यानी कि जिसे हम पहले फेरा कहा करते थे, अब वो फेमा कहा जाने लगा, ठीक है। और जो फेमा है वो हमारा June 1, 2000 में इम्प्लीमेंट हुआ। सो हम कह सकते हैं कि ये एक हिस्टोरिकल इसका चेंज था, और फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेड या जो भी एक तरीके से एक्सटर्नल ट्रेड रहेगा, उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़, जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, उनको रेगुलेट किया जाता है। अब हम थोड़ा सा इसके टाइटल पे भी जाएंगे और एक तरीके से देखेंगे कि इस एक्ट का स्कोप क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, ये एक्ट फेमा 1999 के नाम से जाना जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और ये पूरे इंडिया में लागू होता है। प्लस इंडिया के साथ साथ ये उन सभी ब्रांचेस, ऑफिसेस और एजेंसी पे भी लागू होता है जो इवन इंडिया के बाहर हैं, लेकिन ऐसे पर्सन, ऐसे इंस्टीट्यूशन के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, ऑन की जाती हैं, जो इंडिया के अंदर रेजिडेंट हैं। फिर से बता रही हूँ, इंडिया के अंदर ये लागू तो होगा ही, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये इंडिया के बाहर उन सभी ब्रांचेस, ऑफिसेस पर भी लागू होगा जिनका कंट्रोल इंडियन रेजिडेंट के हाथ में है, ठीक है। और ये जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेट रिकमेंड की, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो June 1, 2002 में एक तरीके से ये इम्प्लीमेंट किया गया, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके बिहाफ पर। तो ये था इसका टाइटल था, या इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी हमने बताई। अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्ट्स की, यानी इसके क्या उद्देश्य हैं। तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग ही हमने इसी पॉइंट से की थी कि फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिसेस या फॉरेन एक्सचेंज
मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड इन चीज़ों को, इन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना, फॉरेन ट्रेड को एक तरीके से स्मूथ बनाना, और जो भी पेमेंट्स हैं या रिसीप्ट्स हैं और वो लॉ के अकॉर्डिंगली हों, उनकी एक लिमिट है आप किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज अपने पास या फॉरेन करेंसी अपने पास रख सकते हैं, किन नियमों के तहत आप ये काम कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो फेमा के अंदर जो है डिसाइड होती हैं और फेमा ही उनको रेगुलेट करता है। तो डेवलपमेंट मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ट्रेड किया जाता है, वो सबको डेवलप करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी फेमा के अंदर ही आता है। अब हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस की, कुछ टर्मिनोलॉजी है वो बार बार चैप्टर के अंदर आएगी, रिपीट होगी, तो हमें थोड़ा सा उनका मतलब पहले से ही क्लियर होना चाहिए। जैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर ऐसी अथॉरिटी है जो एक तरह से ऑथोराइज्ड पर्सन हम कह सकते हैं, ठीक है, जो ऑथोराइज्ड ऑफिशियल है, ऑथोराइज्ड पर्सन है, हम उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा ऑथोराइज्ड पर्सन का मतलब वो सभी पर्सन जो डीलर हैं, मतलब ऑथोराइज्ड होने चाहिए, राइट, डील करते हैं, वो मनी चेंजर हैं, मनी चेंजर मतलब जो करेंसी कन्वर्ट करते हैं, ऑफशोर बैंकिंग में इन्वॉल्व हैं, ऑफशोर बैंकिंग या ऑफशोर बैंकिंग यूनिट यानी ऐसे बैंक्स जिनकी ब्रांचेस अपने होम कंट्री के बाहर दूसरे कंट्रीज़ में भी हैं, और ऐसे वो सभी पर्सन जो ऑथोराइज़ किए गए हैं फेमा के अंतर्गत, ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटीज़ में डील कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की हम बात करते हैं, और कैपिटल अकाउंट अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट के बारे में देखते हैं। कैपिटल अकाउंट का मतलब यहाँ पर जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस या एसेट्स और लायबिलिटीज़ में आए हुए चेंजेस, मतलब ऐसे सभी ट्रांजैक्शन जिनकी वजह से उन एसेट्स और लायबिलिटीज़ में चेंज आता है, लायबिलिटीज़ में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी इंक्लूड कर रखी हैं, वो ऐसे पर्सन की भी हो सकती हैं जो इंडियन रेजिडेंट है लेकिन ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ उसकी बाहर के एरिया से रिलेटेड है, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है। सिमिलरली ऐसा पर्सन जो इंडियन रेजिडेंट नहीं है, इंडिया के बाहर का रेजिडेंट है लेकिन उसकी इंडिया के अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज़ से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो उसमें, जिसमें कुछ चेंजेस आते हैं, उन सभी को हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहेंगे, ठीक है। अब इसमें दोनों पर्सन इन्वॉल्व हो गए, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एज वेल एज पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। इसके अलावा करेंसी की मैं बात करूं तो करेंसी में सभी तरह की करेंसी आएगी। अब यहाँ पर करेंसी में नोट्स आते हैं, नोट्स का मतलब यहाँ कॉइन्स भी, अभी इसमें सिर्फ नोट्स नहीं हैं बल्कि कॉइन्स भी हैं, एक तरह से पोस्टल ऑर्डर हैं, मनी ऑर्डर कह सकते हो, पोस्टल नोट्स कह सकते हो, जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं, मनी ऑर्डर्स हैं, चेक्स हैं, ड्राफ्ट्स हैं, ट्रैवलर चेक हैं, ट्रैवलर चेक का मतलब एक तो चेक है नॉर्मल चेक जो आप रूटीन में आप यूज़ करते हैं और आप बहुत फैमिलियर है इस वर्ड से, बैंक ड्राफ्ट भी आप समझते हैं, ट्रैवलर चेक वो चेक या वो इंस्ट्रूमेंट जो किसी जब हम ट्रैवल करते हैं, स्पेशली अगर मैं फॉरेन ट्रैवल की बात करूं तो उस समय ट्रैवलर को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्लस में और एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए एक तरीके से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं और जिसका इस्तेमाल कैश की मतलब कैश की जगह किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट है, प्रोमिसरी नोट है, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम करेंसी के तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसको करेंसी में ही शामिल किया गया है। ओके, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की हम बात करें तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की हम बात करते हैं तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब वो सारे ट्रांजैक्शन जो करंट हैं और कैपिटल नहीं है, राइट, वो सारे ट्रांजैक्शंस जो करंट अकाउंट से रिलेटेड है, मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, वो सब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माने जाएंगे। अब आप इसमें देख सकते हो कुछ
ट्रांजैक्शन इन्होंने एक्सप्लेन भी किए हैं, जैसे ऐसी सभी पेमेंट्स जो किससे रिलेटेड हैं, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड हैं लेकिन करंट नेचर की होनी चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड हैं, सर्विसेज हैं, शॉर्ट टर्म बैंकिंग हैं, राइट। इसी तरीके से जो लोन्स पर इंटरेस्ट है, जो ड्यू है, ड्यू का मतलब पेबल है, यानी कि विद इन वन ईयर जब हम कोई भी चीज़ ड्यू या पेबल देखते हैं तो करंट ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। रेमिटेंसेस का मतलब जब भी पैसा जो है वो अपने होम कंट्री में भेजा जाता है एक्सपेंसेस के लिए, अपने पेरेंट्स को भेजते हैं, हम अपने घर भेजते हैं, अब यहाँ पर पेरेंट्स हैं, स्पाउस है, चिल्ड्रन हैं जो अब्रॉड में रह रहे हैं, और या फिर वो लोग जब अपने फैमिली में पैसा भेजते हैं इस तरीके का, तो उसे हम रेमिटेंसेस कहेंगे, वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व उसका माना जाएगा। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रैवल, जब हम फॉरेन ट्रैवल करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हमारे खर्चे हैं, मेडिकल केयर से रिलेटेड जो खर्चे हैं हमारे पेरेंट्स से, तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो सब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा हम फिर लेंगे कुछ यहाँ वाली डेफिनेशंस भी। फॉरेन करेंसी का मतलब जो इंडियन करेंसी नहीं है, दैट इज़ फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी ही है प्लस कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स, बैलेंसेस जो पेबल हैं फॉरेन करेंसी में, ये ध्यान में रखना। आपको दो तीन पॉइंट्स में बताने वाली हूँ, इसमें कहीं ना कहीं फॉरेन टच ज़रूर आपको देखने का मिलेगा। अगर आप इंडियन करेंसी में पेबल है तो वो ऐसे पर्सन के द्वारा ड्रॉ किया गया है जो पर्सन जो है इंडिया के बाहर रिजाइड करता है, तो कहीं ना कहीं फॉरेन टच उसमें ज़रूर आएगा। तो पहले में तो हमने क्लियर कर दिया कि पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, राइट। दूसरे में हम कहते हैं कि वो सभी ड्राफ्ट, ट्रेवल चेक, इंडियन जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, पेबल इन फॉरेन करेंसी, ये भी फॉरेन करेंसी है। अब ऊपर हमने देखा डिपॉजिट्स, क्रेडिट एंड बैलेंसेस पेबल हैं, और इसके अलावा ये सारे इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ये लिखे इंडियन करेंसी में गए हैं। आप देखो लास्ट में लाइन लिखी हुई है ड्रॉन, एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन, जो इंडियन करेंसी में लिखे गए हैं बट पेबल फॉरेन करेंसी में। अब इसी को अगर मैं रिवर्स करूँ कि ड्रॉन इन फॉरेन करेंसी बट पेबल इन इंडियन करेंसी, ऐसे भी हो सकता है। तो ये अपने सेकंड और थर्ड को रिवर्स कर देना है, ठीक है। यानी तीनों में कहीं ना कहीं फॉरेन टच हमने दे दिया। फॉरेन सिक्योरिटी की हमने बात करी, फॉरेन सिक्योरिटी, अब जैसे हमने यहाँ पे देखा ना फॉरेन एक्सचेंज में हमने क्या डाला, फॉरेन करेंसी भी डाला और ये सारी चीज़ें डाली, ठीक है। अभी इसी तरह से यहाँ फॉरेन सिक्योरिटी की हम बात करेंगे। नॉर्मल सिक्योरिटी का मतलब हम शेयर्स, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड, ये सब चीज़ें लेते हैं। तो फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब क्या है, ऐसी सभी सिक्योरिटीज़ जो शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स की फॉर्म में हैं बट एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी है, मतलब फॉरेन करेंसी में लिखी गई हैं, लेकिन उनका जो रिडम्पशन है या उनका जो रिटर्न है, जैसे मान लीजिए कोई डिवेंचर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो, या शेयर्स हैं उनका जो डिविडेंड है वो आपको इंडियन करेंसी में पेबल है। तो अभी दोनों चीज़ें इन्वॉल्व कर दी ना हमने, फॉरेन टच भी दे दिया हमने और इंडियन करेंसी का भी टच दे दिया हमने। तो फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब वो सारी सिक्योरिटीज़ जैसे शेयर्स, डिवेंचर्स और जो भी सिक्योरिटीज़ में हम देखते हैं वो सब ड्रॉ की गई हैं, जो एक्सप्रेस की गई हैं वो फॉरेन करेंसी में हैं, लेकिन उसका जो रिटर्न है वो इंडियन करेंसी में पेबल है। इसके अलावा इम्पोर्ट का हम समझते हैं, इम्पोर्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो हम इंडिया के अंदर बाहर से लेकर आते हैं, या इंडियन इकोनॉमी नहीं है या इंडियन करेंसी का है, या थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इंडियन करेंसी का मतलब वो करेंसी जो इंडियन रुपीस में एक्सप्रेस की जाती है, ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड स्पेशल बैंक नोट्स एंड स्पेशल 1 रुपी नोट, ये ध्यान में रखिएगा, इसमें ये सब शामिल नहीं होता। नेक्स्ट हम लेंगे पर्सन का, बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पर्सन। अब पर्सन में आप देख सकते हो अच्छी खासी एक लिस्ट है, तो हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, और इस चीज़ का इस्तेमाल हम नॉर्मली इनकम टैक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी करते हैं। चलिए पर्सन का मतलब समझते हैं। पर्सन का मतलब है यहाँ पर एक इंडिविजुअल से, फीमेल, मेल, कोई भी हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से, ऐसी फैमिली जो
जैसे आप कह सकते हो जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल रहते हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारे का मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि 8-10 लोग रहें, 2 लोग भी एक HUF क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी कॉर्पोरेट्स की बात हम करेंगे, फर्म पार्टनरशिप फर्म की बात है, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। देखिए अगर मैंने पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 6 तक अगर 2-3 इनमें से उठा लिया लोगों को और एक ग्रुप बना दिया तो वो बन जाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मान लीजिए मैंने एक इंडिविजुअल और एक फर्म को ले लिया, या मैंने इंडिविजुअल और कंपनी को ले लिया, दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, क्योंकि नाम में क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन। तो पर्सन में कोई भी आ सकता है, लेकिन अगर हम देखें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तो यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल लेना है, कि अगर बहुत सारे इंडिविजुअल मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं दैट इज़ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एनी एजेंसी ऑफिस और ब्रांच ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सच पर्संस। तो अभी कोई भी, मान लीजिए ये आपने ऊपर जो भी 5 पॉइंट्स देखे, तो ये लोग अगर कोई भी एजेंसी या ऑफिस को कंट्रोल करते हैं, ऑन करते हैं, वो भी पर्सन में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अभी आपने देखा ये वर्ड कई बार आया, पर्सन रेजिडेंट इंडिया का मतलब देखते हैं। देखिए हम उस पर्सन को इंडिया में रेजिडेंट मानते हैं जो प्रीवियस ईयर में, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में, यानी जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काउंट होता है, उसमें जो भी लोग, यानी कि पिछले 12 महीने में, इस 12 महीने की अवधि में, यानी इस 12 महीने के पीरियड में जो पर्सन इंडिया में कम से कम 182 डेज रहता है, उसे हम रेजिडेंट इन इंडिया कहेंगे। ठीक है, यानी कि इंडिया में रेजिडेंट रहने के लिए हमें ये देखना है कि वो पर्सन 182 डेज कम से कम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रिसीडिंग का मतलब पिछला जो वित्तीय वर्ष है, जो वित्तीय वर्ष होता है यानी फाइनेंशियल ईयर होता है, वो क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि फर्स्ट, मान लीजिए अगर हम बात करें अभी समय क्या चल रहा है, 2021 में हम खड़े हैं, और हम ये माने कि अब अगर पिछला फाइनेंशियल ईयर हम देखना चाहते हैं तो हमारे लिए पिछला फाइनेंशियल ईयर होगा 2021, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ये हमारा प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर काउंट होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहे हैं, नहीं पॉइंट यही है, कुछ पर्सन जो इंडिया के बाहर गए हैं और इंडिया के बाहर रह रहे हैं, जैसे अगर कोई पर्सन बाहर जॉब के लिए गया है या बिज़नेस के लिए गया है, या कोई पर्सन जो है इंडिया के बाहर उसके लिए किसी वोकेशन प्रोफेशन बिज़नेस के लिए जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा सकता है, या किसी ऐसे काम के लिए गया है लेकिन अनसर्टेन पीरियड के लिए गया है, ठीक है, तो ऐसे पर्सन के लिए 182 डेज़ वाली चीज़ काउंट नहीं होती, ये ध्यान में रखना। तो उसने ये बोला है कि इट डजंट इंक्लूड सच पर्सन जो बाहर गए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, वेकेशन के लिए, प्लस अनसर्टेन पीरियड के लिए वो इंडिया के बाहर स्टे कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, ऐसे पर्सन जो बाहर से आए हैं इंडिया के अंदर, वही सेम बात, इंडिया के अंदर किसके लिए आए हैं? एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हैं, बिजनेस के लिए आए हैं, या अनसर्टेन पीरियड के लिए आए हैं, और किसी ऑब्वियसली किसी काम से आए हैं, तो ऐसे लोगों को भी 182 डेज वाली कैटेगरी में हम नहीं डालते, यानी कि रेजिडेंट इन इंडिया में नहीं आएंगे वो। ठीक है, इसके अलावा अभी रेजिडेंट इंडिया की लिस्ट बाकी है, ऐसा कोई भी पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है तो वो क्या माना जाएगा? इंडियन रेजिडेंट माना जाएगा। फिर आगे, कोई भी ऑफिस ब्रांच और एजेंसी इंडिया में है जिसका कंट्रोल, अब ध्यान रखना इंडिया में है लेकिन इसका कंट्रोल और ओन इंडिया के बाहर के, मान लीजिए इंडिया के बाहर का कोई पर्सन है जो इंडिया के अंदर किसी ऑफिस को ओन एंड कंट्रोल कर रहा है, तो वो पर्सन बेशक इंडिया के बाहर का है लेकिन उस ऑफिस और ब्रांच को, क्योंकि वो इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश है, इसलिए वो पर्सन इंडियन रेजिडेंट माना जाएगा। तीसरी बात, इसी का रिवर्स कर देंगे कि इंडियन पर्सन, अगर इंडिया के अंदर रहने वाला पर्सन इंडिया के बाहर किसी ऑफिस ब्रांच या एजेंसी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो अगर इंडिया का रेजिडेंट है तो ऑटोमेटिकली वो ऑफिस ब्रांच और एजेंसी भी इंडियन रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगी।
ठीक है। अभी ये लास्ट के दोनों जो चीज़ें हैं वो रिवर्स हैं, फिर से बता रही हूँ। अगर कोई भी ऑफिस, देखिए हमने पर्सन का तो पहले बता दिया ना कि पर्सन को हम कब मानेंगे रेजिडेंट, जब वो 182 डेज कम से कम इंडिया में रहेगा। दूसरी बात, हम ऐसे पर्सन और बॉडी कॉरपोरेट्स यानी कि जो कंपनीज हैं उसको हम इंडिया में कब मानेंगे, जब वो इंडिया के अंदर जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। तीसरा, हम ऐसे ऑफिस ब्रांच वगैरह की भी बात करें ना कि वो रेजिडेंट हैं या नहीं है, तो वो तभी रेजिडेंट होंगी जब वो ऐसे पर्सन के द्वारा कंट्रोल होंगी जो या तो इंडियन रेजिडेंट हो, अगर वो बाहर का, इंडिया के बाहर का कोई ऑफिस है लेकिन उसको कंट्रोल इंडियन रेजिडेंट कर रहा है, या फिर इसका उल्टा क्या कि इंडिया के अंदर का ऑफिस है लेकिन कंट्रोल बेशक इंडिया के बाहर का पर्सन कर रहा है, मतलब रेजिडेंट बाहर का कर रहा है, तो भी वो ऑफिस इंडियन इंडिया में क्योंकि एस्टेब्लिश है ना, इसलिए वो क्या माना जाएगा, इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, तो रेजिडेंट मानने के लिए हमारी कंडीशंस हमने आपको बता दी है। ठीक है, अभी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ऐसे पर्सन जो इंडिया के बाहर रेजिडेंट हैं वो कौन होंगे, तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, ऐसे पर्सन जो इंडिया में रेजिडेंट नहीं हैं वो इंडिया के बाहर रेजिडेंट हैं। सिंपल सी बात है, जो इंडियन रेजिडेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो इंडिया के बाहर का ही रेजिडेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा रिपेट्रिएट टू इंडिया का मतलब क्या है, रिपेट्रिएट टू इंडिया मीन्स कि ब्रिंगिंग इन टू इंडिया, इंडिया के अंदर आप फॉरेन जो भी का एक्सचेंज है, आप मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हो इंडिया के बाहर या कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको जो भी पैसा मिलता है वो रियलाइज़ करके आपको इंडिया के अंदर लाना है, दैट इज़ रिपेट्रिएशन। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी मनी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हो। जैसे अब इसमें कई सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे आपने क्या करना है, आपने फॉरेन एक्सचेंज मान लीजिए आपके पास कहीं से आई और आपने सेल कर दिया उसको किसी ऑथोराइज पर्सन को, और उसके बाद जो है जो ऑथोराइज पर्सन इंडिया में है, इन एक्सचेंज फॉर रुपीज़, डेफिनेटली रुपी से कन्वर्ट कर दिया ना आपने, क्योंकि आपको तो अब इंडिया में अगर उसका पैसे का इस्तेमाल करना है तो आप फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ तो आपको इंडियन रुपीज़ चाहिए। तो रिपेट्रिएट टू इंडिया का मतलब जो है इंडिया के अंदर करेंसी को लाना है और इस तरीके से उसको कन्वर्ट करना भी है। दूसरी बात, होल्डिंग ऑफ रियलाइज अमाउंट, अगर मान लीजिए आपको फॉरेन एक्सचेंज में अमाउंट मिला, ठीक है, आप किसी भी ऑथराइज पर्सन वो होते हैं जिनको ऑथराइजेशन मिलता है कि आप वो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी में डील कर सकते हैं, तो आप फॉरेन किसी भी ऑथराइज पर्सन के साथ ये काम कर सकते हैं, और एक एक्सटेंट एक लिमिट तक जो है वो ऑब्वियसली ये ट्रांजेक्शन हमारा अलाउड माना जाता है। ठीक है, तीसरी बात जो कह रहा है कि आप इसी पैसे का इस्तेमाल किसी फॉरेन डेट के लिए भी कर सकते हो, मान लीजिए आपको एक तरफ डॉलर्स मिले और आपने इन्हीं डॉलर्स का इस्तेमाल किसी और ऐसे लोन को देने के लिए पे किया जिसका पेमेंट आपको डॉलर्स में ही करना है, तो वहाँ पर आप उसे एक्सचेंज का इस्तेमाल वैसे भी कर सकते हो, तो उसे भी हम रिपेट्रिएट टू इंडिया में ही मानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मैंने आपको बता दिया है, शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड, यूटीआई के यूनिट्स जो है, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट्स हैं इस, लेकिन इसमें गवर्नमेंट जैसे मान लीजिए कोई ऐसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज या ऐसे प्रोमिसरी नोट जो गवर्नमेंट के नहीं हैं वो शामिल नहीं होंगे, ये ध्यान में रखना है। सर्विसेज में हम देखते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, बैंकिंग हैं, एडवर्टीजमेंट हैं, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, ये सारी सर्विसेज हम जो है इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक पॉइंट हम ये लेंगे, ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रांसफ़र का मतलब सेल है, परचेज है, एक्सचेंज है, मोर्टगेज है, और गिफ्ट है, लोन है, इस तरीके की जो भी अपना जो राइट, अपना जो टाइटल, अपना जो अधिकार ट्रांसफ़र करते हैं किसी को, उसे हम ट्रांसफ़र मानेंगे। उसमें आप अपने अधिकार पोजेशन डेफिनेटली दे सकते हो किसी को, तो दैट इज़ नोन एज ट्रांसफ़र। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।